हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में हमने बहुत सारे हिटर बल्लेबाज को देखे हैं और उन्होंने अपने चौकों और छक्कों से हम सबका खूब मनोरंजन किया है। दोस्तों, हमने छक्के लगाते हुए तो बहुत सारे बल्लेबाजों को देखा है, लेकिन कुछ बल्लेबाजों ने क्रिकेट में इतने लंबे छक्के लगाए हैं जो कि एक रिकॉर्ड बन गया है। तो चलिए दोस्तों, आज की स्टूडियो में हम क्रिकेट में लगने वाले सबसे लंबे छक्कों को जानते हैं कि क्रिकेट के इतिहास में कब और कौन से बल्लेबाजों ने सबसे लंबे छक्के लगाने का कारनामा करके दिखाया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी के द्वारा लगाया गया 153 मीटर का छक्का। दोस्तों, क्रिकेट के इतिहास का सबसे लंबा छक्का मारने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी के नाम दर्ज है। दोस्तों, शाहिद अफरीदी ने यह कारनामा साल 2013 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ जोहानिसबर्ग के मैदान में किया था। दोस्तों, शाहिद अफरीदी ने रियान मैकलेरन की गेंद पर 153 मीटर का छक्का लगाकर शाहिद अफरीदी ने विश्व क्रिकेट में नया कीर्तिमान रचा था। दोस्तों, इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है ब्रेटली के द्वारा लगाया गया 130 मीटर का छक्का। दोस्तों, पूरी दुनिया में अपनी घातक गेंदबाजी के लिए मशहूर ब्रेटली के नाम क्रिकेट का दूसरा सबसे लंबा छक्का मारने का रिकॉर्ड दर्ज है। दोस्तों, ब्रेटली ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ साल 2005 में 130 मीटर का छक्का लगाकर पूरी दुनिया को चौंका दिया था। दोस्तों, यह शॉट खेलने के बाद ब्रेटली को खुद के ऊपर ही यकीन नहीं हो पा रहा था। दोस्तों, इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है मार्टिन गप्टिल के द्वारा लगाया गया 127 मीटर का छक्का। दोस्तों, न्यूजीलैंड क्रिकेट इतिहास के सबसे सफल बल्लेबाजों में से एक मार्टिन गप्टिल ने साल 2012 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सोसोबे की गेंद पर 127 मीटर का लंबा छक्का लगाया था। दोस्तों, गप्टिल के द्वारा लगाया गया यह छक्का क्रिकेट इतिहास का तीसरा सबसे लंबा छक्का था। दोस्तों, इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है लियाम लिविंगस्टन के द्वारा लगाया गया 122 मीटर का छक्का। दोस्तों, लियाम लिविंगस्टन इस समय इंग्लैंड के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज हैं। दोस्तों, लिविंगस्टन अपने लंबे छक्के मारने की काबिलियत की वजह से फैंस के दिलों में राज करते हैं। दोस्तों, लिविंगस्टन ने साल 2021 में पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हरीश रौप की गेंद को अपने बल्ले से 122 मीटर दूर पहुंचाया था, जो कि क्रिकेट इतिहास का चौथा सबसे लंबा छक्का था। दोस्तों, इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर है कोरी एंडरसन के द्वारा लगाया गया 122 मीटर का छक्का। दोस्तों, कोरी एंडरसन न्यूजीलैंड के सबसे हीटर बल्लेबाज थे। दोस्तों, कोरी एंडरसन ने साल 2014 में भारत के खिलाफ मोहम्मद शमी को 122 मीटर का छक्का लगाया था। दोस्तों, पूरी दुनिया में किसी भी बल्लेबाज के द्वारा भारत के विरुद्ध लगाया गया यह सबसे लंबा छक्का था। दोस्तों, इस लिस्ट में छठवें नंबर पर है मार्क वॉक के द्वारा लगाया गया 120 मीटर का छक्का। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक मार्क वॉक ने अपनी शानदार शॉट सिलेक्शन और टाइमिंग के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध थे। दोस्तों, मार्क वॉक ने न्यूजीलैंड के खिलाफ साल 1997 में डेनियल विक्टोरी की गेंद में 120 मीटर का छक्का लगाकर क्रिकेट इतिहास का छठवां सबसे लंबा छक्का लगाया था। दोस्तों, इस लिस्ट में सातवें नंबर पर है युवराज सिंह के द्वारा लगाया गया 119 मीटर का छक्का। दोस्तों, सिक्सर किंग के नाम से पूरे क्रिकेट जगत में मशहूर दिग्गज ऑलराउंडर युवराज सिंह ने पहले T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के विरुद्ध एक ओवर में 6 छक्के लगाकर तहलका मचा दिया था। दोस्तों, इसी वर्ल्ड कप में युवराज सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 119 मीटर का लंबा छक्का लगाकर क्रिकेट इतिहास का सातवां सबसे लंबा छक्का लगाने का रिकॉर्ड बनाया था। दोस्तों, इस लिस्ट में आठवें नंबर पर है शाहिद अफरीदी के द्वारा लगाया गया 118 मीटर का छक्का। दोस्तों, शाहिद अफरीदी ने क्रिकेट इतिहास का सबसे लंबा छक्का लगाया था। दोस्तों, शाहिद अफरीदी ने साल 2005 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 118 मीटर का छक्का लगाया था। दोस्तों, शाहिद अफरीदी के नाम वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा 351 छक्के लगाने का रिकॉर्ड है। दोस्तों, इससे पहले शाहिद अफरीदी ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 153 मीटर का छक्का लगाया था, जो कि क्रिकेट इतिहास का अब तक का सबसे लंबा छक्का है, जो कि आज तक अटूट है और शायद ही इस रिकॉर्ड को कोई आगे बल्लेबाज तोड़ पाएगा। दोस्तों, इस लिस्ट में नौवें नंबर पर है महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा लगाया गया 118 मीटर का छक्का। दोस्तों, छक्के मारने की बात हो और पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का नाम ना आए, यह बात अधूरी सी लगती है। दोस्तों, पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 2009 में ऑकलैंड के मैदान पर धोनी ने 118 मीटर का लंबा छक्का लगाया था, जो कि क्रिकेट इतिहास का नौवां सबसे लंबा छक्का था। दोस्तों, इस लिस्ट में दसवें नंबर पर है
वेस्ट इंडीज़ के धाकड़ बल्लेबाज क्रिस गेल के द्वारा लगाया गया 116 मीटर का छक्का। दोस्तों, वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाज क्रिस गेल ने 2010 के T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ यूसुफ पठान की गेंद में 116 मीटर का लंबा छक्का लगाया था, जो कि क्रिकेट इतिहास का 10वां सबसे लंबा छक्का था। तो दोस्तों, अब तक के क्रिकेट इतिहास में लगने वाले ये 10 लंबे छक्के हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आया होगा। तो दोस्तों, ऐसी क्रिकेट के छोटे छोटे न्यूज़ जानकारी अपडेट के लिए आप लोग मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।